देखिए मैडम, आई एम सॉरी बट ये हमारा बच्चा नहीं है जी, किसी और का जी। जी हमको मालूम है ये आपका बच्चा नहीं है, पर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका बच्चा भी आपको जरूर मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। जी आप कुछ कह रहे थे? जरूर जरूर, आइए भैया आइए। नमस्कार नमस्कार, हम आप सबके माध्यम से करिश्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, और साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि पूरे लखनऊ शहर में इनसे काबिल, इनसे होनहार कोई और पुलिस अफसर है ही नहीं। Excuse me, मैडम सर, जिस केस को लेकर आप दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसकी सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मेरे खबरी नेटवर्क ने मुझे इंफॉर्मेशन दी है। ये जो रमन का किडनैपर है वो प्रोफेशनल बिरादरी वालों में से नहीं है, एकदम नया बंदा है, फ्रेश है, बिकॉज किडनैपिंग रीजन पर्सनल है। क्या? या 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 मैडम सर, एक सेकेंड हटो, ये देखो वीडियो तो रमन के फोन से ही भेजा गया है और रमन का फोन स्कूल के पास से डिटेक्ट हुआ था, पर एक बात समझ में नहीं आई मैडम सर, उन्होंने फोन तभी ऑन किया था जब उन्हें वीडियो सेंड करना था, बाकी तो पूरा टाइम फोन बंद था, और बंद फोन में उन्होंने वीडियो कैसे रिकॉर्ड किया? एयरप्लेन मोड में उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया, फिर स्कूल के पास आकर एयरप्लेन मोड हटाकर वीडियो भेज दिया। हाँ लेकिन स्कूल के पास ही का है, इसका मतलब है कि किडनैपिंग का स्कूल से कुछ लेना देना है। हाय हाय, आई एम बिलू द स्पाई। हाय, अरे होशियार बालक, तुम यहाँ पर क्या कर रहा है? मैडम सर, सिद्धांत है, रमेशवा का बेस्ट फ्रेंड है। मैडम मैं एक बात बताना भूल गया था, रमन को हमारे क्लासमेट एक विराट है ना, उसने धमकी दी थी, उसने कहा कि अगर इस बार उसने टॉप किया तो उसकी मार्कशीट का रिजल्ट भले ही अच्छा हो लेकिन वो उसकी जिंदगी का रिजल्ट खराब कर देगा। रमन पर विराट की धमकी का कोई असर नहीं हुआ, उल्टा उसने ये कहा कि इस बार वो टॉप करने के लिए अपनी जान लगा देगा, लेकिन विराट बहुत गुस्से में लग रहा था। मुझे लगता है ये सब विराट ने ही किया है मैडम। Myself शनाया, बुलाइए जिन्होंने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया। Hi, myself हसीना मलिक, हम ही ने आपको बुलाया। Oh, hello, hello ma'am. Hi, बैठो। Thank you. तो आप उसी स्कूल में पढ़ती हैं जिसमें विराट पढ़ता है, और हमें पता चला है कि आप विराट की बेस्ट फ्रेंड हैं। बेस्ट तो मैं थी ही, लेकिन फ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड। जब हमें उससे प्यार हुआ तब विराट बिल्कुल अलग लड़का था, मस्ती खोर, घूमना फिरना, हंसी मजाक, और पढ़ाई में भी ठीक ठाक ही था। फिर धीरे धीरे उसके नखरे बढ़ने लगे। नखरे? मतलब उसके पेरेंट्स की तरफ से पढ़ाई का प्रेशर बढ़ने लगा, और टॉप करने के चक्कर में विराट को जब देखो किताबों में ही रहने लगा, हमारा मिलना बंद, फोन बंद, मैसेजेस बंद, और करता भी कैसे, उसके पेरेंट्स ने उसका फोन ही छीन लिया था। विराट ने मुझे कई बार कहा कि उसका मन करता है कि वो घर छोड़ के भाग जाए। मैडम पूछो मत, वो इतना परेशान रहता था, इतना स्ट्रेस में था कि उसे साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना पड़ा। साइकोलॉजिस्ट? आपको पता है कि कौन से साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है विराट? यस, डॉक्टर संदीप शाह। ये देखिए, आपको लगता है कि ये लेटर विराट ने लिखा है? यस, ये लेटर विराट ने लिखा हुआ हो सकता है, इनफैक्ट हम तो कहेंगे कि ये उसी ने लिखा है। अरे हम कहे थे उसके माँ बाप से, उसकी मानसिक हालत बहुत खराब है, उस पर प्रेशर ना डालें, मगर वो कहते हैं कि हमारा बेटा अगर आज स्ट्रेस लेगा तभी तो आराम की जिंदगी जिएगा आगे जाके। मतलब आप 100% श्योर हैं कि ये लेटर विराट ने ही लिखा है? 100% श्योर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। देखिए ये बात कंफर्म हो चुकी है कि रमन को विराट ने ही किडनैप किया है। आप श्योर हैं मैडम सर? हाँ हम बिल्कुल श्योर हैं, लेकिन उसने कहाँ रखा है हम ये नहीं जानते, लेकिन ये पता लगाने के लिए हमारे पास एक प्लान है। हमने डॉक्टर संदीप को कन्विंस कर लिया है कि वो विराट से मिले, और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो विराट के कपड़ों पर एक माइक और एक ट्रैकर लगा देंगे जिससे हम उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। आपको मीनवाइल विराट के घर पे पहरा देना है, अगर कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी होती है तो आप हमें बताएंगे। क्लियर? जी मैडम सर। जय। यस डॉक्टर। मैडम आपका काम हो गया। ओके थैंक यू, कनेक्ट करो। आपने तो मेरी जिंदगी जेल बना दी है। चुप।
मेरे से ज्यादा फिल्मी बातें मत करना। तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, तुझे क्या लगता है सिर्फ पास होना ही काफी है? आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर फील्ड में ज्यादा से ज्यादा परसेंटेजेस देखी जाती है, इसलिए तुझे टॉप करना पड़ेगा। और टॉपर ऐसे नहीं बन जाते, इसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए चुपचाप यही रूम में बैठकर पढ़, इस कमरे से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है। तेरी मम्मी खाना भी तुझे यही भेज देगी, समझ गया? ये ले पढ़। विराट खाना खा ले, और कुछ चाहिए हो तो बता देना, ठीक है? कौन हो तुम? जाने दो मुझे, बोलो। तो इसका मतलब विराट ही है इन सबके पीछे। मैडम 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 ये देखिए प्लीज। का देखिए का हुआ? हमारे बेटे को बचा लीजिए, उसे अभी वीडियो भेजा है मैंने। पापा पापा मुझे किडनैप कर लिया है पापा। संतु ये वीडियो जहां से भी है इसको लोकेशन फटाफट ट्रेस करो, फटाफट। मिल गया मैडम, सुंदर कंपाउंड मिल मैडम। चलो चलो मैं मैडम सर को अपडेट कर देती हूँ। मुझे मजबूर कर दिया था। हर बार एग्जाम में मैं टॉप करता था, लेकिन इस बार विराट ने टॉप कर लिया। इसकी एक गलती की वजह से मेरे पेरेंट्स अब मेरा जीना हराम कर देंगे, क्योंकि वो मेरे पढ़ाई पे लाखों रुपए जो खर्च कर रहे हैं। मेरे टॉप ना करने का कारण ये विराट है, इसलिए मैंने इसे मार दिया। अरे सिम, अरेस्ट कीजिए रमन को जल्दी। यस मैडम सर। देखिए माफ कीजिए निर्मल जी, हम विराट को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम रमन को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। सजा इसे नहीं, सजा इसके पेरेंट्स को मिलनी चाहिए। इसके हाथों तो सिर्फ गन है, चलाई इसके पेरेंट्स ने। उन्होंने इसके मन में इतना खौफ डाल दिया कि टॉप ना आने पर इसने मेरे बेटे की जान ले ली। उनको अरेस्ट करना चाहिए, दे आर द रियल क्रिमिनल्स। अच्छा तो उस हिसाब से तो हमें सबसे पहले आपको अरेस्ट करना चाहिए। क्या मतलब? आपने भी तो विराट पर इतना प्रेशर डाल के रखा था ना कि टॉप के अलावा और कुछ नहीं चलेगा। मैडम आप ठीक कह रही हैं, ये सब इनकी वजह से ही हुआ है। मेरा बच्चा। विराट उठ जाओ। विराट तू ठीक है ना बेटा? विराट बिल्कुल ठीक है, ये सब हमने एक छोटा सा नाटक किया था आपकी आंखें खोलने के लिए। नाटक? और एक बात बताएं आपको, रमन को विराट ने ही किडनैप किया था। रमन हमेशा अपनी क्लास में टॉप करता है, और आपने विराट पर प्रेशर बनाकर रखा था कि उसे टॉप करना है, इसलिए उसने रमन को किडनैप कर लिया ताकि वो टॉप ना कर सके। और ये सब उसने आपके प्रेशर की वजह से किया है। बच्चा पैदा होते ही आप उन्हें क्या रेस का घोड़ा समझने लगते हैं, जो उन्हें रेस पे उतार देते और हंटर लेके उनके पीछे भागते कि रेस में सबसे आगे रहना है। और इसी प्रेशर की वजह से हर साल न जाने कितने बच्चे सुसाइड करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके बेटे ने खुद आज सुसाइड करने के बारे में सोचा था? आज रमन ने तो उसे नहीं मारा, लेकिन आप ये सोचिए कल को आपके टॉप करने की जिद उसे मार देगी तो।
बेटा मुझे माफ कर दे बेटा। तू टॉप रहे या ना रहे बस मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे हमेशा। रमन, इतने बड़े हादसे के बाद भी आपने हमारी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, पहले तो मुझे आपका प्लान बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन विराट और उसके पापा को देखते ही मुझे लगता है कि आप इस शहर के बेस्ट पुलिस ऑफिसर हो। नहीं नहीं, ये सिर्फ हमने नहीं किया, ये हमारी पूरी टीम की जीत है। एक बात बताओ रमन, विराट ने जो तुम्हें किडनैप किया था, क्या तुम्हें लगता है कि उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए? नहीं मैडम, ये बेचारा तो बिना जुर्म के ही बहुत सजा भुगत चुका है। थैंक यू बेटा। नहीं आंटी, अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं भी सेम ही करता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मेरा बच्चा ही नहीं इनको भी अकल आ गई। आप सभी के लिए ये तो बनता ही है। अच्छा अब इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। चल बेटा। रमन, तुझे भी छोड़ देता हूँ, आओ बेटा आओ। करिश्मा सिंह जी, इस केस का क्रेडिट आपको जाता है, जैसा कि हमने कहा था। मैडम सर, अभी हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि हम किसी और के क्रेडिट पे अपना काम चलाएं। पोलिंग में तो हम अभी भी आपसे आगे हैं मैडम सर। हमने तो गलती से सरेआम सबके सामने उस किडनैपर को पकड़ लिया था और सबको पता चल गया था। आपने तो एकदम शांति से बिना शोर शराबे के आपने केस सॉल्व कर दिया, और इसके बारे में तो किसी को खबर भी नहीं पड़ेगी और आप भी नहीं बताएंगे। आप ऐसे ही केस सॉल्व करते रहिए मैडम सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी बताइए विस्तार में कि चोरी का ये घटना कहाँ हुआ? जी अभी एक घंटे पहले ही मैं स्टेशन पहुंची लखनऊ, और स्टेशन से उतरकर जैसे ही मैं कैब से होटल पहुंची और उतरकर जैसे मैं पैसे देने लगी, पता नहीं कहां से एक बदमाश आया और मेरा पर्स छीनकर भाग गया। बोलो, पर आपने उसे देखा है ना, मतलब सामने आएगा तो पहचान लेंगी क्या? नहीं, क्योंकि उसने ना हुडी पहनी थी उसने, और भागते वक्त तो मैं सिर्फ उसकी पीठ ही देख पाई और कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा तो कद काठी लंबाई तो याद होगी? कद काठी ये? हाँ, नहीं इनकी तरह लंबे थे वो। बिल्लू अपना मुखबिर चौकस करो, पता लगाओ कि कौन है ये नया टोपा। ओके, टोपा कद काठी लंबाई तक। आपका पर्स मिल जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप एक काम करिए, आप जाइए। अब मैं कहाँ जाऊंगी मैडम, क्योंकि सब कुछ तो उस पर्स में था, पैसे, आइडेंटिटी प्रूफ, और उसके बिना अभी मुझे होटल में जगह भी कहाँ मिलेगी? लेकिन आप मैरिड लग रही है, आपके हस्बैंड तो आए होंगे ना, तो वो संभाल लेंगे, और जैसे आपका पर्स मिलेगा हम आपको बता ही देंगे, तो फिर टेंशन की क्या बात है? हम अकेले ही हॉलिडे पर आए हैं। अकेले? हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत हो गया? नहीं मतलब औरतें अकेले हॉलिडे पे नहीं जा सकती है क्या? पति भी तो बिना बात के भारी घूमते रहते हैं। पहली बार इस तरह मैं घर से बाहर निकली हूँ, लेकिन देखिए ना, निकलते ही मेरा पर्स तो चोरी हो गया, मेरा हॉलिडे तो शुरू होते ही खत्म हो गया। अरे आप ऐसे काहे बोल रही हैं, हमने कहा ना आपका पर्स मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, तब तक हम क्या कहते हैं कि आप ना अपने पतिदेव को फोन कीजिए और उनसे पैसा मंगवा लीजिए। बस कीजिए आप लोग। क्या पति पति लगा के रखा है? अगर मेरे पति को जरा सा भी पता चल गया ना कि मेरा पर्स खो गया है, तो घर पे ही खो खो खिलवाएंगे मुझसे। एक मिनट, थोड़ा आराम से, आपका पर्स ही चोरी हुआ ना, तो ये तो किसी का भी चोरी हो सकता है, इसमें इतना नाराज होने वाला कौन सा बात है? उनके हिसाब से अकेली औरत का घर से बाहर निकलना, घूमना फिरना, हॉलिडे मनाना गलत बात है, सेफ नहीं है। 15 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन 15 साल में पहली बार मैं अकेली निकली हूँ घर से। अगर मेरे पति को ये सब पता चल गया ना, तो कहेंगे देखा कहाँ था ना, अकेली औरत के बस का नहीं है ये सब। हो गई तसल्ली? अब आजा घर वापस तुरंत। क्या बात कर रही है? नहीं मतलब कहीं तो इसे गई होंगी ना, हॉलिडे पर, पिकनिक पर, परिवार वाला लोग के साथ ऐसे घूमने फिरने वगैरह।
हॉलीडे होता है परिवार के लिए, औरतों के लिए नहीं। हॉलीडे का मतलब औरतों के लिए होता है और ज्यादा काम, और ज्यादा जिम्मेदारियां। निकलने से पहले ही काम का एक्स्ट्रा लोड बढ़ जाता है। क्या क्या चीजें ले जानी है उसकी लिस्ट तैयार करना, उसकी खरीदारी करना, परिवार के हर सदस्य की जरूरी सामान की लिस्ट बनाना, उसकी पैकिंग करना, पूरे रात भर इसी टेंशन में जागना कि सुबह कोई सोता ना रह जाए, सबको टाइम पर जगाना, सबको टाइम पर नाश्ता देना और फिर एयरपोर्ट पहुंचाना, हॉलीडे स्पॉट पर पहुंचते ही ये ख्याल रखना कि बच्चे कहीं इधर उधर ना हो जाए, और अगर घर के बड़े साथ हैं तो उनकी दवा दारू, उनके खाने पीने का ख्याल, और फिर वापस आकर अनपैकिंग, खर्चे का हिसाब, नुकसान का हिसाब, और फिर फैमिली फोटो देखकर अपने आप को ही तसल्ली देना कि परिवार के साथ हॉलीडे मना कर आए भाई। अरे फोटो देखकर ही पता चल जाता है कि कितना मजा आया होगा। ये होता है औरतों के लिए फैमिली हॉलीडे मैडम। रचना जी देखिए, हम समझ गए आपका दिक्कत, आपका पर्स भी मिल जाएगा, चोर को भी हम पकड़ लेंगे। आप तब तक एक काम कर सकती हैं, आप थाना में रुक जाइए, आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए आप यहाँ हॉलीडे पर आई हैं, थाने का दर्शन करने के लिए बिल्कुल नहीं आई, इसलिए जब तक हमें चोर नहीं मिल जाता और आपको आपका पर्स नहीं मिल जाता, ये लीजिए तकरीबन 5,000 रुपए हैं। लीजिए लीजिए। पर मैं ये पैसे ऐसे कैसे? नहीं नहीं कोई बात नहीं, प्लीज रखिए, पर्स वापस मिल जाएगा तो लौटा देना। चलिए मैं चलती हूँ, आओ जो। ख्याल रखिए। वोटिंग चालू है तो मेरा वोट तो आप ही को जाएगा। चलो अब ये पैसे मत खोना। क्या बात है मैडम सर, ना हिंग लगे ना फिटकरी रंग चौखा, केस भी सॉल्व नहीं हुआ और वोट भी मिल गया। अरे वैसे सही है, अब मुकाबले में उतरे हैं तो फिर राजनीति तो आना ही होगा ना। क्या लगता है आपको करिश्मा सिंह, हमने जो उस लड़की की मदद अभी की है वो सिर्फ वोट पाने के लिए की है? हम सच में ऐसा चाहते हैं? हमको नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा कि आप क्या चाहती। मैडम सर, उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। नहीं निकल रहा है, फंस गया है, बहुत ट्राई किया फिर भी ये नहीं निकल रहा है, क्या करूं मैं? तुम्हारे गदा दो तुम्हारे गर्दन के साथ आज इसको उड़ा के। अरे नहीं नहीं रुको रुको, मैं ट्राई कर दो, मैं निकलने का करो करो ट्राई करो करो। हे बाप रे, का बूढ़ी बाबा, सुनो कहां सरे। इसकी मैया का सासु मैया, घोड़ी बाबा घोड़ी बाबा घोड़ी बाबा। मैडम वो हुडी वाला चोर मिला, चोर मिला ना? मिल गया आपका चोर। क्या चोर मिल गया? जी बिल्कुल। कहाँ है? इतना काहे फड़फड़ा रहे हो तुम? हाँ ये तो चोर है, चोर है। कौन चोर हूँ? हाँ चोर, खानदानी चोर, खानदानी चोर। देखा तुम्हारी मैया की सासू मैया, चाकू लेके एक महिला को डराते हो तुम, तुमको शर्म नहीं आता है? आज हम तुमको बताते हैं कि चाकू क्या होता है और डर कौन चिड़िया का नाम है। आपका पर्स, इसमें सबसे पहले चेक करो कुछ रह तो नहीं गया। हाँ। अगर जो सामान नहीं होगा हम इससे अभी के अभी निकलवाते हैं। मैडम माँ कसम का कह रहा मैडम, एक रुपया खर्चा नहीं किया, एक रुपया खर्चा करने से पहले आपने मुझे पकड़ लिया। मैडम मैडम आप तारीफ काबिल है, आप तो बुलेट से भी फास्ट है। बस बस कहा था ना आपको शाम तक चोर आपके सामने होगा, चोर आपके सामने है, बैग आपके हाथ में। अरे वाह आपकी बैग मिल गई। हाँ जी अब तो मिल गई ना तसल्ली। जी बिल्कुल। हाँ, अच्छी बात है। मैडम ये लीजिए। ओ
शुक्रिया। मेरी माँ कहती है कि बुरे वक्त में जो भी काम आए उसे कभी भूलना नहीं चाहिए, और मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी मैडम सर। अब तक तो मेरा मन कर रहा था कि मेरा वोट मैं मैडम सर को दूं, लेकिन इतना कुछ आपने किया है मेरे लिए, तो अब मेरा वोट आप ही को जाना चाहिए। भैया, आप मेरा सामान लेकर आएंगे? भैया, अब सुनिए रचना जी। हाँ, हम क्या कह रहे हैं कि आप अभी कहीं पे भी जाएंगे ना तो डिस्टर्ब होगा उनको, क्या बहुत देर हो गया है ना, तो आज रात के लिए आप यहीं रुक जाइए। यहाँ तो आप सुरक्षित हैं, यहाँ मतलब संतु है ना, वो आपके साथ रहेंगे। क्यों संतु, आप इनके साथ रात को रुक जाइए। हाँ मैं, हाँ आप ही को कह रही है। थैंक यू मैडम, आप रुक जाइएगा यहाँ पे। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, मैं नहीं रुकूंगी तो और कौन रुकेगा, है ना। आइए जाइए जाइए। थैंक यू। तो ये है आपका हुडी वाला चोर, झूठ कहा आपने, असली चोर को नहीं पकड़ पाई तो आप बदनाम को चोर बनाकर यहाँ ले आए, और सिर्फ वोट पाने के लिए। हम अभी जाकर सब कुछ सच बता रहे हैं उसे। नहीं 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 मैडम सर, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप नहीं जा सकती। अच्छा, कौन रोकेगा हमें? रोक नहीं सकते, हाथ जोड़ के गुजारिश तो कर सकते हैं। मैडम सर, हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि आप रचना को कुछ नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताए? जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आ जाता है तब तक आप हमारे तरीकों में दखल अंदाजी नहीं कर सकती है मैडम सर। आप वापस चली जाइए। ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रही हैं। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद मैडम। क्या हो रहा है? कितना विश्वास किया आप पर, और आपने हमें धोखा दिया। झूठ कहा हमसे, कहा कि हुड़ी चोर पकड़ लिया। अगर पकड़ लिया होता तो वो कौन था जो आज चाकू लेकर हमारे पीछे भागा था? एक मिनट, हुड़ी वाला चोर चाकू लेके पीछे भागा, तुम कहां थे चीते? मैडम, वो जरा सा ध्यान भटक गया था, इतने देर में वो निकल गया। तुम्हारे जरा से के चक्कर में जरा सी जान चली जाती तो चीते, तुम्हारे जरा से के चक्कर में जरा सा बवाल हो जाता तो तुम्हारा ध्यान कहां है? तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो चीते? इस पर गुस्सा करने से क्या फायदा है करिश्मा सिंह? आप अच्छे से जानती हैं कि ये सब आपके झूठ की वजह से हुआ है। आप ही ने इनसे झूठ कहा था ना कि हुडी वाला चोर मिल चुका है। चोर नहीं मिला, इसलिए ये निश्चिंत हो गई, और हमलावर को मौका मिल गया इन पर फिर से हमला करने का। हम पहले से आपसे कह रहे हैं कि ये सब आपकी गलती की वजह से हुआ है। सच कह रहे थे हमारे पति, औरत अपने घर की चार दीवारों में ही सुरक्षित रहती है। अभी के अभी हम बड़ोड़ा वापस जा रहे हैं। इससे पहले कि ये केस और बिगड़ जाए, हमें अपने तरीके से इसे सॉल्व करना होगा, भले ही इसके लिए हमें करिश्मा सिंह के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। मैडम सर, जितना हमने पता लगाया है उसके हिसाब से तो रचना जी के हस्बैंड, मैडम सर, रचना का हस्बैंड रचना को लेने आ गया है, और रचना जाने से पहले आपको धन्यवाद करना चाहती है, तो आप आइए मिल लीजिए उससे। हाँ हाँ, वो बताया हमें संतोष ने, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसके पति को पता कैसे चला कि उसे आना कहाँ है। ना ही हमने थाने का एड्रेस बताया, ना ही हमने अपना नाम बताया, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हमने, तो उसे कैसे पता कि रचना कहाँ है? संतोष शर्मा, एक काम करिए। हाँ, क्या नाम बताया इसके पति का? वैभव बताया। हाँ, ना वैभव की कॉल हिस्ट्री निकालिए, देखिए कि पिछले दो दिनों में उसका फोन कहाँ है। जी मैडम सर। ये क्या है? क्या हुआ? मैडम सर, पिछले दो दिन से इनके हस्बैंड का फोन यहाँ लखनऊ में एक्टिव बता रहा है। इनफैक्ट जहाँ जहाँ रचना जी जा रही है वहाँ वहाँ एक्टिव बता रहा है मैडम सर।
इसमें तो ये भी पता चल रहा है कि जिस दिन रचना जी यहाँ लखनऊ में आई थी ना, ठीक उसी दिन उनके हस्बैंड ने बड़ौदा से लेकर लखनऊ की फ्लाइट बोर्ड की थी मैडम सर। इनफैक्ट उनसे पहले वो यहाँ लखनऊ में पहुंच गए। नहीं नहीं, फिर इसका मतलब क्या हुआ? पुष्पा जी, आपको अभी समझ में नहीं आया? इसका मतलब यही है कि पिछले दो दिनों से जो आदमी रचना को परेशान कर रहा है, वो हुडी वाला चोर, वो आदमी जो चाकू लेकर उसके पीछे हमला करने की कोशिश कर रहा है, वो और कोई नहीं, रचना का हस्बैंड वैभव है। क्या? मेरे ही पति? आओ रचो, चले। जी नहीं, आपके साथ नहीं जा सकती क्योंकि इनकी छुट्टियां अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। ये आप क्या बात कर रही हैं मैडम? यहाँ पे रचना की जान को खतरा है, कोई उसे मारना चाहता है, वो कोई हुडी वाला चोर। वो चोर? अरे उसको तो कब का हमने पकड़ लिया, अब वो कानून की गिरफ्त में। अच्छा अच्छा, आपने पकड़ लिया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चले रचना? रचना छुट्टियां मनाने आई है तो छुट्टियां मनाकर ही वापस जाएगी। एक मिनट, वो मेरी वाइफ है। रचो, क्या जरूरत क्या है इस हॉलिडे की है? और तुमने मुझे बुलाया था ना, तो अब मैं आया हूँ तुम्हें लेने, चलो मेरे साथ। वैभव, मैं यहाँ अकेले हॉलिडे मनाने आई हूँ, तो अभी भी उसमें दो दिन बाकी है और अभी मैंने ठीक से लखनऊ भी नहीं देखा। ये दो दिन के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा? आराम, दो दिन आराम करिए। देखिए बहुत ज्यादा फैसिलिटीज तो नहीं है, लेकिन हमारे थाने में हवा बहुत अच्छी चलती है। मैडम ये अब क्या बात कर रहे हैं? अरे आई आई, अरे अरे छुट्टी मत, अरे क्या कर रहे, अरे ऐसे कैसे, अरे मैडम ये क्या मजाक लगा रखा है? एक तो मेरी बीवी पे अटैक हुआ है, आप मुझे अंदर, अरे क्यों अंदर डाल रहे इसको? अरे अरे मैडम ये क्या कर रहे हो मैडम? ये मैडम प्लीज निकालिए मैडम। पांच मिनट आपसे आपकी आजादी छीन ली गई तो आपका दम घुटने लग गया है। अभी आपने ये सोचा है कि आपकी बीवी जो 15 सालों से इसी घुटन से गुजर रही है, उस पर क्या बीतती होगी? आप हमेशा अपनी बीवी से पूछते रहते हैं कि ये करने की क्या जरूरत है, वो करने की क्या जरूरत है। आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि 15 सालों से खुद की जिंदगी सैक्रिफाइस करके वो आपके और आपके परिवार का ध्यान रख रही है, उसे ये सब करने की क्या जरूरत है? शादी है, शादी में हर जिम्मेदारी सिर्फ औरत की क्यों होती है? पति की कोई जिम्मेदारी नहीं है? और क्या है ना बड़े भैया, हम जानते हैं जिसने रचना का पर्स चुराया, जिसने हुडी पहनकर चाकू से रचना को डराया, वो चोर तुम ही थे। क्यों वैभव, आखिर जरूरत क्या थी ये सब करने की? तो मैं और क्या करता रचो, तुम्हें कितना तो समझाने की कोशिश की थी, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के तू कैसे चली गई? और अगर तुम्हें ऐसे ही अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के भागना ही था तो फिर तुम्हें शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। बहुत अच्छा, अब आपका ठिकाने आएगा इसका। शादी क्या सिर्फ औरत की होती है मर्द की नहीं? परिवार क्या सिर्फ औरत का होता है मर्द का नहीं? एक शब्द और बोलोगे ना, पत्ता गोभी की तरह छिल डालेंगे यहाँ पे। अगर तुमने इसको किसी भी चीज के लिए रोका ना, तुम्हारे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज करेंगे और तुमको जेल के अंदर डालेंगे, फिर अंदर अपनी सारी छुट्टियां मनाना, अपना हॉलीडे मनाना, समझे? समझ गए मैं। आवाज नहीं आई? मैं समझ गया हूँ मैडम, ये जिम्मेदारियां भी हस्बैंड वाइफ की मिली हुई होती है। अगर अपने हिस्से की आजादी चाहिए तो मुझे उसे भी आजादी देनी होगी, और ये भी समझ गया हूँ कि ये आजादी उसकी जरूरत नहीं है, उसका अधिकार है जो उसे मिलनी ही चाहिए। मैंने माफ करी दे रचो। नहीं वैभव, ऐसा मत कीजिए। थैंक यू मैडम सर, आज आपने मेरे पति को वो बात समझा दी जो मैं पिछले 15 साल में नहीं समझा पाई। लेकिन माफ कीजिएगा, मेरा वोट आपको नहीं, करिश्मा मैडम को जाएगा। कांग्रेट।
क्योंकि आखिर डोज तो उन्हीं का काम आया ना, और आप सबके लिए ये तो बनता है। देखो तुम बहुत गलत कर रहे हो, लहंगा जला के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और बेवजह क्रिमिनल और बन जाओगे। चुप। महंगा है इसीलिए तो जला रहे हैं, और तुम लोगों को भी शौक है ना पैसे जलाने का, महंगी शादी करके। इसके जलने के बाद तुम लोगों को समझ में आएगा महंगी शादी कितनी महंगी होती है। हम लोगों ने तो पहले ही कहा था कि महंगी शादी करने वालों की दुल्हन का लहंगा जला दिया जाएगा, पर तुम लोगों को मजाक लगा। एक समय था जब शादी प्यार और परिवार का कार्यक्रम होती थी, लेकिन तुम लोगों ने उसे बाजार का कार्यक्रम बना दिया, अपने पैसे और स्टेटस की नुमाइश का जरिया बना दिया। लेकिन बस अब बहुत हो गया। ये सिर्फ एक वार्निंग है, अगर इसके बाद भी महंगी शादी की तो सिर्फ लहंगा नहीं जलेगा। चलो। हमें ऐसा लग रहा है कि ये कोई गैंग है, कोई ग्रुप है जो जानबूझकर महंगी शादियों के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा कर रहा है। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो सच में महंगी शादी की वजह से गरीब इंसान पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, तो जो ये कर रहे हैं वो गलत तो नहीं। बिल्कुल सही। हाँ हाँ नहीं बिल्कुल, बात आपकी सही है मैडम सर। नहीं हम मतलब इतना अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं तो हमको इनके लिए ताली बजाओ कार्यक्रम रखना चाहिए, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, हम थाना बंद करके इनका गैंग ज्वाइन कर लेते हैं और लहंगा जलाते फिरते हैं सबके। कैसी बात है जी। कंटिन्यू। देखिए मैडम सर, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इस केस को सॉल्व करने का प्रेशर बहुत ज्यादा है, आप इसमें जज्बात को मत लाइए। हम इस केस को भौकाल से सॉल्व करेंगे, इस केस को भौकाल का जरूरत है, बात को समझिए, आप इस केस से दूर रहिए। करिश्मा सिंह, आपको ऐसा नहीं लगता कि पिछला केस सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ गया? बहुत। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत थोड़ा सा फर्क है। मैडम सर, हम जो भी वोटिंग हुआ ना उससे हमको समझ में आया कि समाज को भौकाल का जरूरत है, और खास करके इस केस में। हम तो जो पब्लिक का डिमांड है बस उसी के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। हम अगर रिजल्ट अभी तक आया नहीं है ना, अभी भी समय है। चीते, अगली बहन की शादी कहाँ है? है ना मैडम, थोड़े ही दिन बाद है, नरेश अग्रवाल की बेटी की शादी है। बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करने का प्लानिंग है, बहुत महंगा शादी कर रहा है। जैसी लहंगा बन जाएगा ये लहंगा जलाओ गैंग वहां जाएगी और लहंगे को जलाएगी। पता करो नरेश अग्रवाल की लड़की का लहंगा बना के नहीं बना, क्योंकि हम इस बार उनको रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। जी मैडम। मैडम सर, जब आप वोट के लिए पीड़ित के कंधा पे हाथ रख सकती है, उसको दिलासा दे सकती है, तो हम वोट के लिए भौकाली एंट्री काहे नहीं मार सकते? क्योंकि हम विक्टिम के कंधे पर हाथ रखते हैं इंसानियत के लिए, वोट पाने के लिए नहीं। लेकिन मैडम सर, उससे मिलता तो वोट ही है ना। अब ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि हमने भौकाली एंट्री इसलिए मारी थी क्योंकि हमें क्रिमिनल को एक मैसेज देना था, लेकिन हम वही बोलते हैं जो हम कर रहे हैं, हम सच बोलते हैं, हम कोई झूठ नहीं बोलते हैं। एक मिनट, वो तो सब ठीक है, मगर इस मास्क के पीछे है कौन? मास्क उतारिए। आप इस उम्र में आकर ये सब क्यों कर रहे हैं? हम मजबूर हैं मैडम। प्लीज बताइए क्या हुआ? हमारी पत्नी और बेटी दोनों को महंगी शादियों का बहुत शौक है, और अगर हम उनके हिसाब से शादी में खर्चा करेंगे तो हमारी पूरी बची कुची जिंदगी कर्जा चुकाने में ही निकल जाएगी। इसीलिए हमने ये
गैंग ज्वाइन कर लिया। हाँ, लेकिन ये बातें आपको अपनी पत्नी और बेटी को समझानी चाहिए ना। समझाने की कोशिश की थी मैडम, पर वो समझे तब ना। उनके मन में तो शादी शादी नहीं, बस एक कॉम्पिटिशन है। अब देखिए, हम आपके दर्द को बहुत अच्छे से समझते हैं। आगे का प्लान क्या है इनका? देखिए बता दीजिए, वरना हम आपको जेल में डाल देंगे, फिर आप अपनी बेटी का शादी भी अटेंड नहीं कर पाएंगे, हम बता रहे हैं आपको। मैडम, अगले हफ्ते हमारे भाई की बेटी की शादी है, वहीं जाने का प्लान है। बहुत बढ़िया, अब तुम्हारी गैंग को ना शादी के लड्डू से जेल की रोटी का सफर हम तय करेंगे। चीते इनको अंदर डाल। चलिए चीचा। रुक जाओ, करिश्मा सिंह ये क्रिमिनल नहीं, विक्टिम है। मैडम सर, ये कौन सा नजर है आपका जिसमें आपको सब विक्टिम नजर आते हैं? अगर ये विक्टिम है तो इनको हम उठा के लाए, इसका मतलब हम क्रिमिनल हुए। तो आप एक काम कीजिए, हमें जेल में डाल दीजिए। करिश्मा सिंह, हम जानते हैं कि इस थाने का इंचार्ज बनने की आपको बहुत जल्दी है, लेकिन भूले मत यहाँ के SHO अब भी हम हैं। चीता चतुर्वेदी, इनसे इनके डिटेल्स लीजिए और आप जा सकते हैं। जी मैडम सर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.